ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और इस ब्लॉग में आज आपको बताएंगे कि हम लोग पटना से गांव तक का सफ़र और आप लोग का इसे साथ बना रहे और इसलिए देखिए आगे आपको दिखाएंगे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। और देखिए आप रूम दिखाते हैं, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। चलिए देखा रूम दिखाते हैं और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। जैसे कि बोले हम लोग जा रहे हैं, बैग रेडी हो गया है, चल दिया हम घर के लिए। देखिए अब भैया हमारे दोनों आ गए हैं। बताइए आप लोग को कैसे लगा आने में, इतना लेट कैसे लग गया? ब्लॉग बन बचे की देखिए यही ट्रेन है, अब हम लोग निकलेंगे ट्रेन के लिए। दिखाते हैं आपको ट्रेन के अंदर हम लोग का सीट है। राजरानी एक्सप्रेस है, D12 आगे। ठीक है, आपको आप ट्रेन में जाके दिखाते हैं आपको। स्टेशन पहुंच गए हैं, अब यहां से हम लोग घर के लिए निकलेंगे। स्टेशन पहुंच गए, देखिए हमारा स्टेशन है ये। निकलेंगे सर हम भाई सब। फाइनली घर पहुंच गए हैं। घर आने का आपको पता है कैसे खुशी रहता है सब बैचलर को, उसी तरह हमें भी खुशी थी घर आने की। और आप चलिए छत पर चलते हैं, छत पर जाकर आपको दिखाएंगे गांव का सुंदरता। और गांव में एक अलग ही आनंद आता है गांव आके, इसलिए आपको भी दिखाएंगे। चलिए छत पे गांव का व्यू। छत पे देखिए आपको दिखाते हैं गांव का सुंदरता। गांव आने का एक अलग ही आनंद आता है, और हर एक चीज़ नेचुरल देखने के लिए मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है गांव आके। इसलिए चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। जैसे देखिए ये सब जो है गेहूँ लगा हुआ है, ऑर्गेनिक तरह से उपजाया जाता है इसको। इसमें जैसे कि गाय का गोबर होता है वो सब डाल के उपजाता है, बहुत मेहनत करता है यहाँ किसान लोग। देखिए आपको दिखाते हैं गांव का व्यू। वो जो देख रहे हैं वो छोटा सा कोचिंग है, यहाँ बच्चा पढ़ता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाएंगे। आप लोग ऐसे बने रहिए, आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, आप लोग सबको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे गांव के कल्चर को और गांव के और बहुत सारे चीज़ों को दिखाएंगे, यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं और भी बहुत सारे कल्चर आपको रूबरू कराएंगे। चलिए बाय टाइम, फिर इस वीडियो में यहीं पर, अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं गाँव का कल्चर।